वेलकम टू आदित्य क्लासेस। आज हम लोग मेमोरी ग्लैंड्स के बारे में स्टडी करने जा रहे हैं। जितने भी मैमल हैं, सारे मैमल का ये आइडेंटिफाइंग कैरेक्टर है। सभी मैमल में मेमोरी ग्लैंड्स मिलता है और फीमेल में मेनली ये डेवलप कंडीशन में होता है, पेयर्ड में होता है और चाइल्ड बर्थ के बाद मिल्क फीडिंग करा करके चाइल्ड केयर में ये हेल्प करता है। ओके, तो ये मोटे तौर पे हमने इसका फंक्शन बताया। अब डिटेल में इसका स्ट्रक्चर और फंक्शन हम लोग समझते हैं। सबसे पहले मैमरी ग्लैंड्स जो होता है वो फैट और ग्लैंडुलर टिश्यू से बना होता है। दो स्ट्रक्चर इसमें है, फैट और ग्लैंडुलर टिश्यू। यहां पर हमने कुछ ब्लू कलर से इधर हमने बना रखा है, ये फैट है। इसके बीच बीच में भी फैट होंगे, ऐसा नहीं कि बीच में फैट नहीं होगा, बीच में भी फैट होगा। और ये ब्लैक से जो है वो ग्लैंडुलर टिश्यू है। दो चीज से मिलके बना है, ग्लैंडुलर टिश्यू और फैट। अब इसको हम फर्दर देखते हैं कि क्या होता है। तो ये ग्लैंडुलर टिश्यू जो है, कई सारे ग्लैंडुलर टिश्यू, ये पूरा का पूरा ब्लैक वाला ग्लैंडुलर टिश्यू है, तो इसमें कई सारे क्या है, मेमोरी लोब्यूल्स है। देखिए ग्लैंडुलर टिश्यू जो है बहुत सारे मेमोरी लोब्यूल्स से मिलके बने होते हैं। अब ये मेमोरी लोब्यूल्स जो है उसका संख्या 15 to 20 हो सकता है, 15 to 20। ये ह्यूमन के रिस्पेक्ट में मैं बता रहा हूं, ह्यूमन के मेमोरी ग्लैंड्स में, ह्यूमन फीमेल के मेमोरी ग्लैंड्स में 15 to 20 मेमोरी लोब्यूल्स हो सकते हैं, ये जो ब्लैक में हमने बना रखा है। अब इस मेमोरी लोब्यूल्स की बात करेंगे तो ये कई सारे एल्वियोली से मिलके बना होता है। देख लीजिए, ये एक मेमोरी लोब्यूल है जिसमें हमने बहुत सारा छोटा छोटा एल्वियोली बनाया है, एल्वियोली। ओके, अब इस एल्वियोली को समझ करके हम इसके फंक्शन को भी समझ जाएंगे। देखिए एल्वियोली एक्चुअल में दो तरह के स्ट्रक्चर से बना हुआ है। पहला क्लस्टर ऑफ सेल्स है, बहुत सारे सेल का क्लस्टर है, और दूसरा है ल्यूमेन। यहां पे एल्वियोली का हमने स्ट्रक्चर बनाया है। एक्चुअल में देखिए ये क्लस्टर ऑफ सेल का मतलब ये है, ये क्लस्टर ऑफ सेल्स है, ये 1 2 3 4 ये बहुत सारा क्लस्टर ऑफ सेल्स है, ये ऐसे कह सकते हैं ये क्लस्टर ऑफ सेल्स है। और ल्यूमेन कहां, ये बीच में, भीतर जो इसके बीच में खाली जगह है वो ल्यूमेन है। एक्चुअली क्लस्टर ऑफ सेल किस लिए है, तो फॉर्मेशन, सेक्रेशन और फॉर्मेशन ऑफ मिल्क। इसी सेल्स में क्या होगा कि मिल्क बनेगा, और मिल्क बन के सिक्रीट होगा, और सिक्रीट होके इस ल्यूमेन में जमा हो जाएगा। ल्यूमेन का काम क्या हो गया, कलेक्शन ऑफ मिल्क। तो मेन फंक्शन यहां से शुरू हो रहा है। देखिए क्लस्टर ऑफ सेल्स से बना हुआ है एल्वियोली, और ये क्लस्टर ऑफ सेल्स में हर एक सेल में थोड़ा या ज्यादा मिल्क प्रोड्यूस होगा, और वो मिल्क सिक्रीट हो जाएगा, इस बीच में आ जाएगा, और इस बीच वाले को हमने कहा ल्यूमेन, जहां कलेक्शन ऑफ मिल्क हो गया। अब इस मिल्क कलेक्शन के बाद हम देख रहे हैं कि बहुत सारा एल्वियोली मिल करके तब बनाया है मेमोरी लोब्यूल्स, और इस मेमोरी लोब्यूल्स बहुत सारे मिल करके बनाया है ग्लैंडुलर टिश्यू, फिर ग्लैंडुलर टिश्यू और फैट मिलके मेमोरी ग्लैंड्स बना है। अब इसमें मिल्क किस किस रास्ते से जाएगा वो देखिए। ऐसे भी आपको क्लियर लग रहा होगा कि एल्वियोली से जाएगा, आगे बढ़ेगा, यहां एल्वियोली में ल्यूमेन, ल्यूमेन से जिस ट्यूब से ये निकल रहा है, ल्यूमेन से यहां निकला है, एक यहां निकला है, इस ट्यूब को, ये ट्यूब जो है, ये ट्यूब कहलाता है मेमोरी ट्यूब्यूल्स। सबसे पहला जो ट्यूब निकला किससे, ल्यूमेन से, उसको क्या कहेंगे, मेमोरी ट्यूब्यूल्स। अभी मेमोरी ट्यूब्यूल्स से जब आगे बढ़ेगा तो हर एक एल्वियोली से निकला हुआ मेमोरी ट्यूब्यूल्स एक दूसरे से ज्वाइंट करने लगेगा। ज्वाइंट करके वो बनेगा क्या, ये जो ज्वाइंट हो गया ये बन गया मेमोरी डक्ट। अब मेमोरी डक्ट, फिर ये मेमोरी ट्यूब्यूल्स आया मेमोरी डक्ट में, मेमोरी डक्ट फिर बहुत सारा मेमोरी डक्ट ज्वाइन होगा। देखिए यहां पे, यहां से ये एल्वियोली था, एल्वियोली से निकला, एल्वियोली से जो निकला था उसको मेमोरी ट्यूब्यूल्स कहे, मेमोरी ट्यूब्यूल्स जब ज्वाइंट होके यहां पे निकला तो ये क्या कहलाया, मेमोरी डक्ट। और जब दो मेमोरी लोब्यूल्स का मेमोरी डक्ट ज्वाइंट होके एक होगा तो यहां पे अब ये क्या कहलाने लगेगा, एम्पुला। यहां ज्वाइंट होने लगा तो एम्पुला, और एम्पुला के बाद ये निपल है, निपल में जो ट्यूब है ये, इस ट्यूब को हम लोग कहेंगे लैक्टिफेरस डक्ट। तो इस तरह से ट्यूब की बात करेंगे, ट्यूब की बात, तो ट्यूब में आप देख सकते हैं सबसे पहले
ल्यूमेन से जो निकला वो मेमोरी ट्यूब्यूल्स हुआ, कई सारे मेमोरी ट्यूब्यूल्स मिलके बन गए मेमोरी डक्ट, कई सारे मेमोरी डक्ट्स मिलकर के बन गए एम्पुला, और कई सारे एम्पुला मिलके बन गए क्या लैक्टिफेरस डक्ट, और लैक्टिफेरस डक्ट निप्पल से होके बाहर यहां मिल्क को बाहर निकाल देता है। ओके, तो इस तरह से स्ट्रक्चर में क्या हुआ, दो चीज से बना हुआ है, फैट और ग्लैंडुलर टिश्यू। फैट का कोई फिक्स नहीं है, फैट ज्यादा कम हो सकता है, बीच में भी रहेगा, साइड में तो रहता ही है। उसके अलावा यहां पे क्या है कि अंदर में क्लस्टर ऑफ सेल्स है और उसके बीच में ल्यूमेन है, क्लस्टर ऑफ सेल्स और ल्यूमेन मिलके बना है एल्वियोली, बहुत सारे एल्वियोली मिलके बनता है मेमोरी लोब्यूल्स। मेमोरी लोब्यूल्स का नंबर ह्यूमन में 15-20 होता है, और 15-20 मेमोरी लोब्यूल्स ऐसा है, हमने 4 ही लोब्यूल्स बनाया है, 15 मिनिमम होगा, 15-20 मेमोरी लोब्यूल्स मिल करके तब टोटल ग्लैंडुलर टिश्यू बनाते हैं, और उस ग्लैंडुलर टिश्यू से बाहर निप्पल से होते हुए लैक्टिफेरस डक्ट के सहारे बाहर निकल जाता है क्या मिल्क। बना कहां मिल्क, क्लस्टर ऑफ सेल्स में, सिक्रीट यही किया, स्टोर कहां हुआ ल्यूमेन में, एल्वियोली के ल्यूमेन में, एल्वियोली में भी लिखा जा सकता है लेकिन एल्वियोली का ल्यूमेन होगा तो बेस्ट, और एल्वियोली के ल्यूमेन से डक्ट के सहारे निकलते हुए बाहर निकल गया। ओके, तो मेमोरी ग्लैंड्स में इतना है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।